अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। दिस इज अकीला मोइन और आज की जो मेरी वीडियो है मेकअप पर, तो हम रोज ही बात करते हैं, आज मैंने सोचा कि हेयर्स पर बात हो जाए। तो बहुत सारे लोगों को कंप्लेन होती है, उनको हेयर फॉल होता है। 95% लोगों को हेयर फॉल होता ही होता है। कोई एक ऐसा सीजन जरूर होता है जिसमें आपके बाल बहुत डैमेज होते हैं और बहुत ज्यादा गिरते हैं। तो उसके लिए मैं आज एक वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। एक ऐसी चीज लाई हूँ जिससे आपको हेयर फॉल होना ना कि सिर्फ कम हो जाएगा बल्कि खत्म हो जाएगा। जी हाँ, अगर तो बात आ जाती है हेयर फॉल की, तो सबसे पहले हमारे जहन में क्या चीज आती है? तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है ओनियन। ओनियन जो कि बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत जिन लोगों को नहीं पता वो भी सुन लें कि ओनियन जो है वो हमारे बालों को जो है डैमेज होने से बचाता है और जो हेयर फॉल हो रहा होता है, बाल गिर रहे होते हैं, वो रोक देता है। ओनियन को यूज करने का तरीका है कि उसको हम ग्राइंड करते हैं, उसका जो है रस अच्छे से निकाल लेते हैं, उसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करते। ग्राइंड करने के बाद हम उसको अपनी रूट्स में अप्लाई कर लेते हैं और विद इन जो है 1 आवर इसको वॉश कर लेते हैं बालों को। और आप बिलीव करें कि मैं खुद भी यूज करती थी, मुझे भी हेयर फॉल होता था और हेयर फॉल सबके साथ होता है। मैं नहीं मानती अगर कोई कहता है कि भाई मुझे हेयर फॉल नहीं होता, तो मेरे ख्याल से कि वो गलत कह रहा है, या तो उसको पता नहीं है कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है या फिर वो झूठ ही बोल रहा है, क्योंकि हेयर फॉल एक सीजन ऐसा जरूर आता है कि जिसमें होता है। तो जी ओनियन मैं खुद यूज करती रही हूँ बालों में, आप बिलीव करें उसका इतना अच्छा रिजल्ट आता था। मतलब मैंने 2 से 3 वीक्स जब यूज किया तो मुझे पता चला, मैंने फील किया मेरे बाल हेल्दी हो रहे थे और मेरे बाल जो है गिरने से रुक गए, तो बालों की ग्रोथ भी हुई। ये मैं आपको 110% गारंटी दे रही हूँ कि ऐसा है। विद इन 2 मंथ जो है बालों की ग्रोथ भी हुई और बहुत अच्छे बाल हो गए। तो जी ओनियन का जो है, कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता, कुछ गर्ल्स के पास टाइम नहीं होता कि वो इतनी मेहनत करें कि वो डेली ओनियन जो है ग्राइंड करें, उसका रस निकालें, उसको अप्लाई करें, फिर वेट करें। फिर कुछ गर्ल्स को ये भी होता है कि स्मेल से एलर्जी होती है, कि इसकी स्मेल बहुत है। उसकी स्मेल तो वाकई में ही आती थी, आफ्टर वॉश वो खत्म हो जाती थी लेकिन हल्की हल्की सी स्मेल आती रहती है। इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन निकल गया है। मुझे पता चला था कि एक शैम्पू आया है, मैं आपको दिखाती हूँ, जिसका नाम है वैलिस, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है, मुझे पता चला था। इसमें ओनियन ऐड है, जो हम इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं ओनियन को ग्राइंड करने की, तो वो हमें नहीं करनी पड़ेगी। और ये बहुत अच्छा शैम्पू है, मुझे बताया गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको ट्राई करूँ जो है। फिर मैंने इसको ऑर्डर किया एक इंस्टाग्राम के पेज से, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको ट्राई करूं, और इसके साथ साथ मैंने इसका मास्क भी मंगवाया था। ये शैम्पू है और ये मास्क है, इन दोनों में ओनियन ऐड है। तो जी सबसे पहले बात कर लेते हैं शैम्पू की। मैं इसको यूज करने के बाद ही इसके रिव्यू दे रही हूं। मैं इसको 6 मंथ से यूज कर रही हूं और जी मेरी ये इसके ऊपर ऐड है ओनियन वैलिस ओनियन एंटी हेयर लॉस शैम्पू, इसके ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने तो सुना तो बहुत था इसके बारे में, तो आप बिलीव करें कि मैंने इसको जब यूज किया, 6 मंथ हो गए मुझे इसको यूज करते हुए, मुझे पता तो इसका 2 वीक्स में ही चल गया था कि ये बहुत अच्छा शैम्पू है। आफ्टर 2 एंड 3 वीक्स जो है मेरे बाल जो है हेयर फॉल जो है कम होना स्टार्ट हो गया, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था। उसके बाद जो है आफ्टर 1 मंथ मुझे 50% मुझे जो है ना फील हुआ कि मेरा हेयर फॉल जो है वो खत्म हो रहा है। उसके बाद 1 मंथ 2 मंथ मेरा हेयर फॉल बिल्कुल खत्म हो गया।
बी होनेस्टली मेरा हेयर फॉल खत्म हो गया, और हाईली हाईली मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी कि आप इसको जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट मुझे जो ओनियन पर मेहनत करनी पड़ती थी, मुझे उसको ग्राइंड करना पड़ता था और जो सब करना पड़ता था, जिसके लिए एक टाइम निकालना पड़ता था, और स्पेशली ये गर्मियों में ही मैं करती थी, सर्दियों में ये काम नहीं होता, और गर्मियों में जो है वो करके तो फिर बाल वॉश करने, उसके बाद हल्की हल्की सी स्मेल आनी। तो जब मैंने इसको यूज किया, एक तो इसकी फ्रेगनेस बहुत अच्छी थी, और सेकेंडली ये कि जब इसने अपना 100% रिजल्ट दिया, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इसका रिव्यू जरूर करूंगी। इसकी टू जो बॉटल्स हैं वो मैंने ख़त्म कर दी थी, अब ये मैंने थर्ड ऑर्डर की है, और इसको मैंने अभी एक बार ही यूज़ किया है। इसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की। तो जी, ये इसकी पैकेजिंग है, आप देख सकते हैं ये एक प्लास्टिक बॉडी में है जी। तो इसका जो टेक्सचर है वो वाइट कलर का है, और मैंने देखा है कि दराज पर भी जो है ये मिल रहा है, कुछ लोगों ने दराज से ऑर्डर किया, मुझे नहीं पता कि वो ओरिजिनल है या फेक है, मुझे इसका नहीं पता, क्योंकि उस दराज पर जो अवेलेबल है वहां पर इसकी प्राइस आई थिंक 450 या 500 या 400 समथिंग है। तो मैंने जिस पेज से इसको ऑर्डर किया था और मैंने जहां से ये लेकर यूज़ किया है, इसकी प्राइस है 800। बिफोर 6 मंथ जो है इसकी प्राइस थी 550 या 600, अब इसकी प्राइस 800 है। लेकिन इसकी मैं जो है गारंटी दूंगी कि ये ओरिजिनल है और ये रिजल्ट देता है। जो दूसरी वेबसाइट पर है मुझे नहीं पता वो ओरिजिनल है कि नहीं है, जाहिर सी बात है अगर उसकी प्राइस इतनी कम है तो मुझे नहीं लगता कि वो ओरिजिनल होगा। तो जी, ये हो गए, बात हो गई शैम्पू की, अब हम बात कर लेते हैं इसके मास्क की। तो जहां बात आती है इसके मास्क की, तो मैं आपको बता दूं कि ये तो पूरा खाली हो चुका है, इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, 500। तो मैं आपको दिखा दूं, ये मैंने यूज कर लिया था, खत्म हो चुका है, इसमें आई थिंक थोड़ा सा ही है। इसका मैं आपको टेक्सचर दिखा दूं, कुछ इस तरह का है, वाइट कलर में। अच्छा, मास्क की मैं आपको बात बता दूं, इसका रिजल्ट बता दूं कि तो मेरे बाल जो है हेयर फॉल होने के साथ साथ, क्योंकि मैं अपने बालों को डाई बहुत ज्यादा करवाती हूं, तो बहुत ज्यादा रफ हो गए थे, मीन्स के ड्राई हो गए थे, इतने ड्राई हो गए थे कि जहां पर सेट करो वहीं पर खड़े रहते थे। तो बहुत ज्यादा बाल ड्राई हो गए थे, उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम था हेयर फॉल के साथ साथ, ये भी एक इशू था। तो मुझे उन्होंने रेकमेंड किया ये मास्क, तो मैंने जब इसको अप्लाई किया, इसको आपने जो हेयर वॉश करने के बाद, इस शैम्पू से वॉश करने के बाद जब आपके बाल गीले होंगे तो आपने मास्क अप्लाई कर लेना है। वैसे तो ये ऑर्गेनिक है, आप रूट्स पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि रूट्स पर लगने से इसमें कोई इशू नहीं है, आपके बाल खराब नहीं होंगे। गीले बालों में आपने अप्लाई करना है, अगर आप नहीं चाहती रूट्स में लगाना तो आप रूट्स में ना लगाएं, जब बाल गीले हों तो इसको अप्लाई कर लें, और उसके बाद आपने 30 मिनट्स वेट करना है। 30 मिनट मुश्किल हो जाता है इतना ज्यादा स्टे करना। मैं आपको भी ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने कभी भी 30 मिनट वेट नहीं किया, आफ्टर 15 या 20 मिनट मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। अगर आप रखना चाहती हैं बालों में 30 मिनट, तो आप रख सकती हैं, उसके बाद आपने दोबारा से अपने बाल जो हैं विदाउट शैम्पू आपने वॉश कर लेने हैं। आप बिलीव करें, बाल इतने सॉफ्ट हो गए इसके साथ, बहुत ज्यादा बाल मेरे ड्राई थे डैमेज होने के साथ साथ, तो इसके साथ जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज किया, इतने सॉफ्ट हो गए कि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये मेरे बाल हैं, और इसके साथ साथ इसने बालों में शाइन भी दी। अच्छा, तो मैंने देखा है बहुत सारी कुछ ऐसी वीडियोस हैं जिसमें कुछ गर्ल्स ने बताया या कुछ यूट्यूबर्स ने बताया कि जो इसकी फ्रैगनेस है वो इतनी ज्यादा तेज है कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, आई डोंट नो उन्होंने कहाँ से ऑर्डर किया, वो ओरिजिनल था कि नहीं था, लेकिन बिलीव करें इसकी फ्रेगनेस बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, बिल्कुल भी तेज नहीं है, बहुत अच्छी फ्रेगनेस है, लाइट सी, और मुझे इसकी फ्रेगनेस से कोई भी इशू नहीं हुआ। तो इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, इसकी जो प्राइस है वो 1000 है,
अभी जो रिसेंटली जो है मैंने ये शैम्पू दोबारा मंगवाया तो मुझे मास्क नहीं मिला। आई थिंक ये शॉर्ट हुआ हुआ था, दैट्स वाई मुझे ये नहीं मिला। कुछ दिनों तक उन्होंने कहा आपको मिल जाएगा। तो इसकी रिसेंटली प्राइस जो है 800 है और इसकी प्राइस जो है अब आई थिंक 1000 या 1100 है। तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि मेरी तरफ से ये हाईली रेकमेंड है, आप लोग जरूर यूज करके देखें। जो आपके डैमेज हेयर हैं या जो आपका हेयर फॉल है वो इससे जरूर खत्म हो जाएगा। ऑनियन इसके अंदर ऐड है और ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट है बालों के लिए। आपको मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको ऑर्डर करें और इसको यूज करें, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अच्छे अच्छे से कमेंट सेक्शन में कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।